साथ सभी लोग वेलकम टू ज्ञान ट्रेनिंग। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं ब्रेन आउट, और ब्रेन आउट में वैसे काफी सारी एक पहेली का है, क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं उनके आंसर देने होते हैं मिस्ट्री, जो हमारे दिमाग को हिला कर देने वाली है। तो अभी अपनी जो गेम है उसको प्ले करते हैं। गाइस मैंने इसका एक ट्राई के लिए एक लेवल वैसे पार कर ही लिया था, क्योंकि ट्राई एक बार सही रहता है कि ट्राई करना। तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और गाइस हमारा फर्स्ट लेवल है हाउ मैनी डक्स। तो यहाँ पे डक्स देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस यहाँ पे 9 है, लेकिन इसके बीच में एक डक नहीं है, शायद से एक मुर्गी है नहीं ये शायद से। तो 8 कर देते हैं, 8 भी नहीं है। एक बार वापस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस ये क्या हो रहा है, एक काम करते हैं हिला के देखते हैं, क्या पता वो निकल जाए इसके नीचे से। हाँ तो गाइज यहाँ पे टोटल 9 डक्स है, और इसमें से ये एक डक्स नहीं है, एक हैन है। तो यहाँ पे हम एक काम कर देते हैं, 9 पे क्लिक कर देते हैं। हाँ तो गाइज हमारा पहला आंसर कर चुका है एकदम हमने एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, और यहाँ पे लिखा है वो इज द टॉलेस्ट वन। तो इसमें से सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा, वैसे जिराफ है, लेकिन ऐसे मेरे को लगता ही नहीं हो सकता होएगा। यहाँ पे जिराफ भी नहीं आ रहा, हाथी भी नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, सबसे लंबा गाइस सन है, हाँ सबसे ऊंचा सन है, ये वाला लेवल इनसे पार हो गया है। मैं गाइस कह रहा था ना इसके सवाल दिमाग घुमाने वाले हैं। कैन यू फाइंड आउट अ डिफरेंट वन, तो इसमें सबसे अलग कौन सा है। गाइस सबसे अलग वैसे मेरे को एक भी नहीं लग रहा, हाँ सारे सेम है। एक काम करते हैं गाइस, ये हिल रहे हैं, ये आपस में हिल रहे हैं, देखो। और गाइस ये देखो, ये डिफरेंट है। Which callo is similar to cat's outstretched claw? तो गाइस इसमें से हमें देखना है कि इसके जो हाथ हैं वो कौन से हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें से मेरे को ऐसे लग नहीं रहा कोई से भी हाथ होंगे। हाँ इसमें से कोई से भी हाथ नहीं है, ये वाला तो नहीं, ये वाला भी नहीं है। इसका दूसरा लेफ्ट हैंड होगा, हाँ गाइस ये लेफ्ट हैंड ही है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं, और ये क्या, फाइंड आउट द लार्जेस्ट फायर, इसमें सबसे बड़ी फायर कौन सी है। मेरे को पक्का पता है गाइस ये सबसे बड़ी वाली होगी नहीं। हाँ तो ये गाइस हिल रही है, ये हिल रही है गाइस, गाइस बड़ी हो गई। एक काम करते हैं, इसे मिला के करना है, हो गई गाइस सबसे लार्जेस्ट फायर। चलो नेक्स्ट लेवल बनते हैं गाइस, गेम को खेलने में मजा आ रहा है काफी। गाइस इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका क्या होगा। एक काम करते हैं, 1 से लेकर 9 तक के टुकड़े भर देते हैं, 1 से लेकर 9 तक, पता नहीं कितने तक भेजने, वैसे इसमें अनलिमिटेड है शायद से। पहले एक काम करते, मैंने 9 बोला था, 9 का भेज, गाइस ये सही निकल गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा ये सही निकल गया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट लेवल पूछते हैं गाइस। वेक अप द आउल, आउल को यहाँ से भगाना है। तो यहाँ पे सन हिल रहा है, और ये सन हिल रहा है, और कुछ भी नहीं हिल रहा, सन को छुपा दिया। और ये which one is not a real ice cream, तो इसमें से real ice cream देखनी है। ये कोई सी भी हट नहीं रही। एक काम करते हैं, सन लाते हैं, ये सन कहाँ आएगा गाइस। तो मेरे को लगता है हमें सन को लाना पड़ेगा, ताकि हमारी जो आइसक्रीम आप बिगड़ जाते हैं। एक बार सन को ले आते हैं, सेंटर में ले आते हैं, और गाइस हमारे लगता है सही जा रहा है। यहाँ पे एक मधुमक्खी आई है, और बाकी सारी आइसक्रीम पिघल गई है, और ये मतलब ये वाली आइसक्रीम रियल है, क्योंकि यहाँ पे वो आई है भी आइसक्रीम खाने। थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं आगे, और यहाँ पे फाइंड द डार्केस्ट कलर ऑफ द स्क्रीन। तो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट तो मेरे को लग रहा है ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो नहीं कहीं डार्केस्ट, गाइस नंबर ही डार्केस्ट।